चंद्रयान 3 ने पार किया आखिरी पड़ाव, देर रात 2 बजे चंद्रयान 3 की हुई डीबूस्टिंग। चांद से 25 किलोमीटर दूर चंद्रयान 3, अब 23 अगस्त को सफल लैंडिंग का इंतजार। भारत का चंद्रयान 3 सही तरीके से कर रहा काम, भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो इतिहास रचने को तैयार। रूस का लूना 25 मून मिशन तकनीकी गड़बड़ी की वजह से रास्ते से भटका, रूसी स्पेस एजेंसी ने लूना से संपर्क स्थापित करने की कोशिश तेज की, गड़बड़ी हुई तो लूना से पहले चांद पर पहुंचेगा चंद्रयान 3। लेह में सेना के ट्रक की गहरी खाई में गिरने से 9 जवानों की मौत, एक घायल। पीएम मोदी ने रक्षा मंत्री गृह मंत्री समेत राहुल गांधी ने जताया हादसे पर दुख। तीन दिनों के यूपी दौरे पर आज अयोध्या में रामलला के दर पर जाएंगे रजनीकांत। एक दिन पहले सीएम योगी का पांव छूकर लिया था आशीर्वाद, यूपी में बन रही फिल्म सिटी में निवेश करने की जताई इच्छा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष का बीजेपी पर हमला, चुनाव की वजह से तेजी से कराया जा रहा राम मंदिर का निर्माण, हम भी राम भक्त लेकिन नहीं करते दिखावा। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बड़ा दावा, यूपी की किसी भी सीट पर गांधी परिवार का कोई नहीं जीत सकता, लड़ने के लिए कोई कहीं से भी लड़ सकता है। यूपी हज कमेटी के अध्यक्ष मोहसिन रजा का एसपी बीएसपी और कांग्रेस पर हमला, बोले विपक्ष का गठबंधन ही ठगबंधन है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने 2024 में गठबंधन की जीत का किया दावा, बोले INDIA गठबंधन सफल होगा। आज शिवराज सरकार का रिपोर्ट कार्ड जारी करेंगे गृह मंत्री अमित शाह, दोपहर 12:30 बजे भोपाल में होगा कार्यक्रम। अमित शाह ग्वालियर में बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक को करेंगे संबोधित, शाम 5 बजे संपर्क अभियान में होंगे शामिल। हिमाचल में बारिश से जुड़े हादसों में मरने वालों की संख्या हुई 78। पीएम मोदी की हाई लेवल मीटिंग के बाद आज बीजेपी अध्यक्ष नड्डा लेंगे हालात का जायजा, हिमाचल और उत्तराखंड में फिर बारिश का अंदेशा। हिंदू से मुसलमान बनने वाले बयान पर गुलाम नबी आजाद ने दी सफाई, बोले मेरे बयान का गलत मतलब निकाला गया। गुलाम नबी आजाद ने हिंदू धर्म को इस्लाम धर्म से भी बताया था प्राचीन धर्म, विवाद बढ़ने पर बोले हिंदुस्तान में सबसे पुराना धर्म हिंदू ही है। अल्पसंख्यक मंत्रालय की स्कॉलरशिप स्कीम में घोटाला आया सामने, सूत्रों के हवाले से खबर, सीबीआई को सौंपी गई जांच। राहुल गांधी ने लेह से पेंगोंग झील तक चलाई बाइक, राहुल गांधी ने पेंगोंग झील की खूबसूरती की तारीफ। इक्कीस अगस्त को दिल्ली में होगी बीसीसीआई की मीटिंग, एशिया कप के लिए खिलाड़ियों के सिलेक्शन पर होगी चर्चा, कप्तान रोहित शर्मा भी बैठक में होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों में बनाए गए फर्जी लाभार्थी, फर्जी नाम खातों से खुलवा कर लिया अल्पसंख्यक स्कॉलरशिप योजना का लाभ। भारत और आयरलैंड के बीच 3 मैचेस की T20 सीरीज का दूसरा मुकाबला, आज सीरीज जीतने उतरेगी टीम इंडिया।